नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी जनपद से आ रही है। आपको बता दें, कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 3 शातिर ऑटो लिफ्टर और 9 बाइक एवं 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है और शातिर चोरों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कई थानों में दर्ज है। और थाना अध्यक्ष पंकज सिंह की अगुवाही में हारून पुत्र नजीर निवासी पीर पटावन, शकील पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी साहपुर थाना, देवा सत्यम शर्मा पुत्र शिव कुमार निवासी तेंदुआ भटेरिया को गिरफ्तार किया। आइए देखते हैं कुलदीप वर्मा की एक रिपोर्ट। अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभी इधर लगातार ये सूचना मिल रही थी कि कुछ ऑटो लिफ्टर गैंग यहाँ पे सक्रिय हैं और लोगों की बाइकें चुरा रहे हैं। इसी क्रम में आज दूसरा एक गैंग ऑटो लिफ्टर गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 शातिर अपराधी पकड़े गए हैं। इसमें हारून कबाड़ी, सत्यम शर्मा और शकील, ये तीनों पकड़े गए हैं। ये लगातार इस क्षेत्र में मास्टर की लगा करके बाइक उठा लेते थे, कभी मॉल से, कभी किसी हॉस्पिटल के सामने से, कभी चौराहे से। जहाँ भी इनको मौका मिलता था वहाँ से ये लोग चोरी कर लेते थे और सस्ते दामों पर ये लोग बाराबंकी, लखनऊ, आसपास के क्षेत्रों में बेच देते थे। 4-5 हज़ार रुपये में जो भी इन्हें मिलता था उसके आधार पर ये लोग बेच देते थे। इसमें हारून कबाड़ी जो है तो वो इसके पास को अलग अलग करके कई उसने उपयोग में लाता था और अपने लोगों को बेच दिया करता था। इस तरीके से ऑर्गेनाइज रूप से ये पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था। अभी इनके पास से 9 बाइक और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार किया गया है और अब जेल भेजा जा रहा है। ऐसे कई गैंग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं इस क्षेत्र में, यहाँ और लखनऊ मिला करके। उन सभी के पीछे हमारी कोतवाली टीम, हमारे सीओ सिटी और हमारे एडिशनल एसपी सब लगे हुए हैं। लगातार ऐसे अभियान जारी रहेंगे। जो भी इस तरीके का क्राइम कर रहा है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। टीम को हमारी तरफ से 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। एक अभियान चलाया गया है और अभियान चल रहा है, इसकी परिणति ये कार्रवाई है। क्योंकि ये ऑटो लिफ्टर गैंग कबाड़ियों से जुड़े रहते हैं और तमाम ऐसे गैंग से जुड़े रहते हैं जहां ये जल्दी से माल को खपा देते हैं, तो वो सारे लोगों पे हम लोग टारगेट किए हैं। धीरे धीरे और भी अन्य लोग हैं जो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।